आप अमेरिका नहीं भारत के साथ नहीं लड़ते, आपकी फौज पाकिस्तान की फौज भारत इसराइल अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। मतलब कि हमारे जो है वेल ट्रेन्ड है जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी जो सिपाही तक हैं, वो सब वेल ट्रेन है, उनके ट्रेन नहीं है? नहीं है, मैं ये कहूंगा। आप कोई एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल कहीं है? अभिनंदन, ठीक है, उसके बाद आ जाइए। अभी रिसेंटली जो 9 फरवरी का वाक्य हुआ है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने माफी मांगी है, जी हमसे गलती होगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया एज अ कंट्री, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जब हम पॉपुलेशन एक कंट्री की देखें तो उसकी इकोनॉमी और जो उसकी जीडीपी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उस लिहाज से अगर आप पॉपुलेशन देखें तो वो उस लिहाज से इन्वेस्ट करें अपनी मिलिट्री के ऊपर। पाकिस्तान भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान जो है उसकी आई गेस 20 to 22 crores है उसकी पॉपुलेशन। हिंदुस्तान जो आज जो इतनी बड़ी इकोनॉमी पावर है उसका सबब है उनकी मिडिल क्लास, ठीक, और पता नहीं अब कितनी करोड़ हो गई है। ये जो इम्पोर्ट यानी ये जो वेस्ट को या पूरे सऊदी अरब को इंडिया की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई चीज़ हम उन्हें देंगे ना तो वो करोड़ों में होगी। भाई पाकिस्तान से क्या मिलेगा? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह के साथ 2-4 lakh कस्टमर मिल जाएंगे। पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या, पाकिस्तान में किस किस्म का असलहा इस्तेमाल हो रहा है? तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है। आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज का इस्तेमाल खत्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले। हमारे यहाँ तो अभी बिगनिंग हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान हमारी सेना से, हमारे कंट्री से हर टाइम चलता रहता है। जब भी देखो वो हमारी कंट्री और हमारी सेना पर बातें करता रहता है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और हमारे बीच 4 युद्ध हो चुके हैं, जिसमें से हमने चारों बार पाकिस्तान को धूल चटाई। आज देखिए पाकिस्तान हमारी सेना के बारे में क्या बोल रहा है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया हमारी सेना की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा। जय हिंद। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना से ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला हम समझते हैं कि हमारी जो फिजाइया है, इसने सुपीरियरिटी अपनी डेमोंस्ट्रेट की है। इसमें हमारे पास अगर जंग लड़ने के 5 दिन है, उनके पास महीने हैं। और यार ये फौज ना हो तो आपकी माए बहने उठा के पाकिस्तान में आपको गुलाजत का ढेर बना दे। खुदा का खौफ करें यार, बच्चे एजुकेशन दे उन्हें, सेहत दे उन्हें, कौन कह रहा है ना दे, सड़कें बनाए उन्हें, ना अरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाए आपके सियासतदान या और जितने भी करप्ट लोग हैं। ओ भाई आप क्या चाहते हो, फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज़ बिल्ला मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके? आप अमेरिका नहीं भारत के साथ नहीं लड़ते, आपकी फौज पाकिस्तान की फौज भारत इसराइल अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें, अपने अपने मुल्क के लिए। देखें जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन या बेहतरीन सोच रख के ही आता है, बाकी उसके मंसूबे कामयाब होते हैं या नहीं होते। आप इन चीज़ों को कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली कौन बेहतर है, ठीक है ना? प्रैक्टिकली नरेंद्र मोदी बेहतर। प्रैक्टिकली मोदी किस तरह से कह रहे हैं आप? ये अभी आपने जो दिखाया, देखें सबसे पहले ये बात करते हैं कि जीडीपी का लेवल जो होता है ना, या किसी भी मेजरमेंट का लेवल होता है, उसकी आबादी के तनासब के लिहाज से होता है, ठीक है? अब वो 136 करोड़ की आबादी है। हम मोस्टली अभी जो है वो 24 के करीब होंगे, ठीक है, और वो हमसे 110 करोड़ ज़्यादा है, तो ओबियसली उसका एरिया भी देखें, ठीक है। अब पाकिस्तान की अगर फौज 7 लाख है या 3 लाख है या 2 लाख, एक मिसाल दे रहा हूँ 2 लाख है, तो इंडिया को अपनी उसकी टेरिटरी देखें कितनी बड़ी है, तो उसको तो 10 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ओबियसली वो बड़ी होगी, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। तो कंपैरिजन बनता है सलाहियत पे, फौज के लेवल से या उनके म्यार से या चीज़ों से नहीं होता। अब मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, मुझे उसके फंक्शंस का ही नहीं पता चलेगा। Exactly. उनके पास ये सिस्टम है सारा, बात समझ रहे हैं कि मर्सिडीज उनके पास है, चलानी किसी को नहीं आ रही। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि हमारे जो है वेल ट्रेन्ड है जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी जो सिपाही तक हैं, वो सब वेल ट्रेन्ड हैं, उनके ट्रेन नहीं है?
नहीं है, मैं ये कहूँगा आपको कोई एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल कहीं है अभिनंदन, ठीक है उसके बाद आ जाइए। अभी रिसेंटली जो 9 फरवरी का वाक्य हुआ है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी है, जी हमसे गलती हो गई है। आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई मुल्क अपने मिसाइल्स का तजर्बा करता है तो साथ वाली जितनी कंट्रीज होती हैं ना, एक या दो जो उसको टच कर रही होती है, उनको एतमाद में लेता है, जी मैं करने लगा हूं, अगर कोई खराबी हो जाती है तो आप अलर्ट रहिएगा, हो सकता है आपकी तरफ मूव कर जाए, उसने बताया ही नहीं। बात सुने, बात सुने ना, पहले बात सुन ले मेरी, अगर वो इतने कॉम्पिटेंट होते तो ऐसा होता ही क्यों, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर उनको वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना, वो नहीं साडा जो कामयाब ही होना कोई गल नहीं, जिथे जाता जानते हो, गल समझियो, वो पहले 70 किलोमीटर उनकी सरहद में अंदर गया, फिर वो 90 किलोमीटर फिरता रहा, फिर 121 किलोमीटर होके इधर हो गए, 216 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद में आ गया, पागल होके इधर। हिंदुस्तान जो आज जो इतनी बड़ी इकोनॉमी पावर है, उसका सबब है उनकी मिडिल क्लास, ठीक, और पता ही अब कितनी करोड़ हो गई है, ये जो इम्पोर्ट यानी ये जो वेस्ट को या पूरे सऊदी अरब को इंडिया की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई चीज़ हम उन्हें देंगे ना तो करोड़ों में होगी, भाई पाकिस्तान से क्या मिलेगा, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह के साथ 2-4 लाख कस्टमर मिल जाएंगे, इसी तरह जो तो ये जो वो अब जो जंग हो गई है माली मफादात की, इकोनॉमिक की, आज दुबई वाले बैठे हुए ना सऊदी वहाँ पे, अब तो मकदूर कश्मीर में भी बैठ गए जी, माजरत के साथ जनरल शोएब साहब, दुबई वालों ने पहले तो यहूदियों के पास गए थे, अब वहाँ चले गए, उन्होंने कहा आपके पास हमारे पास रखा क्या है, सिवाय इसके हम इनसे मांगते रहते हैं। इंडिया फोर्थ आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंडिया एज अ कंट्री उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब हम पॉपुलेशन एक कंट्री की देखें तो उसकी इकॉनमी और जो उसकी GDP रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस लिहाज से अगर आप पॉपुलेशन देखें तो वो उस लिहाज से इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तान भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान जो है उसकी आई गेस 20 to 22 crores है उसकी पॉपुलेशन, और जो इंडिया है उसकी तो आई गेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो उस लिहाज से इंडिया की जो मिलिट्री है वो फोर्थ नंबर पे इसलिए आई है क्योंकि पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और GDP और इकॉनमी जो इंडिया की वो हमसे बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक कंट्री की GDP और इकॉनमी जो है वो ज़्यादा होती है तो उसका रैंक ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है, अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या, पाकिस्तान में किस किस्म का असलहा इस्तेमाल हो रहा है? तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है, आपकी तला के लिए था कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज का इस्तेमाल खत्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले, हमारे यहाँ तो अभी बिगनिंग हो रही है, वो एक डेवलप्ड कंट्री है और वो हमसे आगे है, काफ़ी दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे लेकिन फिर भी वो हमसे आगे है, तो अप्रिशिएट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने से हम, मुझे ये लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, बस लगे रहे, वो एक यंगस्टर्स का गाना है, लड़के लगा रहे।